सबसे पहला काम जो होता है केबल को काउंट करना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक, हमें कहने का मतलब पहले क्या था, सिर्फ 6 या 8 केबलों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, बट अब क्या है कि कंपनी रिकमेंडेड 10. जी हाँ, तब 10 केबल. अब इसमें आप क्या है कि 10 पीस का कंप्लीट सेट है. तो आपने अनबॉक्सिंग देख लिया, अब आपको ये बताते चलते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी लेना कैसे, कनेक्शन कैसे करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है. तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं इस न्यू केबल के बारे में, तो इस ओपीडी को हम क्या करेंगे, इस न्यू केबल वाले जगह पे ऐड कर देंगे ताकि आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिविटी लेके दिखा दिया जा सके. ये देखिए, मैंने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी ले लिया है. अब चलिए किसी भी PS6 पैक में असेंबल करते हैं. उससे पहले एप्लीकेशन जो सबसे बड़ी बात होती है, उसे कैसे डाउनलोड करना है, तो स्क्रीन के ऊपर सारा प्रोसेस आपको दिखेगा. तो देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ पे आती है हमारे मैकेनिक भाइयों को, केबल उन्होंने परचेज कर लिया, ओबीडी उनके पास चला गया. अब क्या है कि एप्लीकेशन, अब आपको प्ले स्टोर पे जाना. आप जैसे प्ले स्टोर पे आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आपने सर्च क्या किया, जैसे टी टॉर्क प्रो. क्या सर्च किया? टॉर्क प्रो. अब जैसे टॉर्क प्रो को हम यहाँ पे सर्च में लाते हैं तो सबसे पहले कारपीएम का आता है गैराज प्रो. और जैसे इस वाले एप्लीकेशन को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो क्या आपको देखने को मिलेगा, 250 रुपए ये चार्ज कर रहे हैं. जैसे इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो क्या आपको लिखा कि जब ही आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जब आप इसको पे करेंगे उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा. तो यही चीज आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप मेरे से केबल लेते हैं. यानी ओबीडी भी मिल रहा है, केबल भी मिल रहा है और इसके साथ साथ एप्लीकेशन फ्री में मिल रहा है. ये जो आपको यहाँ पे चार्ज देना है आपको चार्ज नहीं देना, मैं आपको फ्री में आपको एप्लीकेशन यहीं से भेज दूंगा. तो आपने इसके बारे में समझ लिया. अब चलिए आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताते हैं कैसे कनेक्ट किया जाता है. वैसे भी इससे पहले मैंने और सभी बैंकों में कनेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप बताया है, सिर्फ अपडेट आया था. मैंने आपको सोचा इन्फॉर्म कर दें ताकि आपको आने वाले समय में जो प्रॉब्लम हो रहा हो उसका सोल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हैं. चलिए कनेक्टिविटी के बारे में दिखाते हैं. तो मैकेनिक भाइयों, आप सभी के साथ प्रूफ शेयर करने के लिए हम यहाँ पे कनेक्टिविटी लेंगे. होंडा SP125 BS6FI वाली वेरिएंट में है. मैंने इससे पहले वाले केबल की जब टेस्टिंग की तो हीरो स्प्लेंडर, होंडा हॉर्नेट, SP125, प्लाटिना, एच गियर, इन सभी गाड़ियों में टेस्टिंग किया है. वो वीडियो ने देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. तो अभी चाहे हम जितने भी सारे केबल की कनेक्टिविटी यहाँ पे लें, सभी केबल मेरा सटीक वर्क कर रहा है. देखिए, अगर इसके अंदर भी अगर हम लगाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर अगर हम ओबीडी को असेंबल करेंगे तो इसके अंदर भी हमारा रेड कलर का लाइट चलेगा, क्योंकि हमारे सारे केबल टेस्टेड किए हुए हैं. ये देखिए, रेड कलर का लाइट चल रहा है, यानी इससे पता चला कि हमारा ये केबल सही है. अब आपको ये बताते चलते हैं कि जिसको हम गिव अवे देंगे ये सारा केबल, तो वो भी केबल आपको चेक करवा के दिखा देते हैं. जैसे इस केबल को मैंने यहाँ पे लगाया और इसके अंदर भी यहाँ पे हम जब ओबीडी को असेंबल करेंगे तो देखिए इसके अंदर भी लाइट जला, यानी इससे पता चला कि जो आप सभी मैकेनिक भाइयों को हम केबल देंगे वो भी सटीक, मेरा टेस्टेड किया हुआ, मैं खुद इसे यूज कर चुका हूँ. अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास अभी नया केबल है इसकी, अब यहाँ पे कनेक्टिविटी लेते हैं कि ये जो अभी अपडेट वाला वेरिएंट आया है ये कैसा वर्क करता है. तो कौन सा है होंडा का, इसमें ये देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे इसके अंदर केबल है और होंडा, सुजुकी और जो है पैप प्लस, इन सभी गाड़ियों का एक ही लगेगा. तो ये आपका है होंडा का. तो चलिए इसके अंदर हम यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी ले लेते हैं. मैंने इसे लगा दिया है, अब चलिए इसके अंदर हम ओबीडी लगाते हैं. ये देखिए, एक ही बार में सटीक कनेक्टिविटी, रेड लाइट जल गया, यानी इससे पता ही चलता है कि हमारे बाइक से ओबीडी कनेक्ट हो चुका है. अब चलिए इसको हम अपने एंड्रॉइड से कनेक्ट करते हैं. देरी मत कीजिए, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको हम इसके सारे प्रोसेस बताते हैं. तो कनेक्टिविटी और इसके प्रोसेस बताने से पहले आप सभी मैकेनिक भाइयों को मैं ये अवेयरनेस करना चाहता हूँ, अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि अगर आप यही सारे चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं तो वहाँ पे मात्र 15 दिन का रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है, उसके बाद अगर कुछ हुआ तो कोई भी सुनने वाला है नहीं. और यहाँ अगर मुझसे आप लेते हैं तो मैं आपको 1 ईयर तक आपका जो है ये रिप्लेसमेंट करवा सकता हूँ. आपको कभी भी प्रॉब्लम होता है कनेक्टिविटी में तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं. ये सारे आपको फैसिलिटी मेरे साथ जुड़ने के बाद हो सकता है. अब चलिए आपको हम सारा प्रोसेस बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके एंड्रॉइड से कनेक्टिविटी लेनी है. करना कुछ ऐसा है कि सबसे पहले इसके ब्लूटूथ को हम ऑन कर लेते हैं.
कर दिए इसके ब्लूटूथ को ऑन और इसके लोकेशन को ऑन कर देंगे, कुछ ही समय में यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक सिंबल दिखेगा, तो उससे आप ये फाइंड आउट कर लीजिएगा कि हमारी गाड़ी जो है ओबीडी यानी ब्लूटूथ से कंप्लीट कनेक्टिविटी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, इसके टॉर्क प्रो जिसके एप्लीकेशन की मैंने बात की, आपको कहीं पे कहीं से कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन मैं दूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये देखिए ये होता है प्रूफ। जैसे मैंने इसके टॉर्क प्रो को ओपन किया, यहाँ पे क्या दिखा आपको, ग्रीन कलर का सिंबल जलता हुआ दिख रहा, यानी पता ये चला कि हमारे एंड्रॉइड से कंप्लीट कनेक्टिविटी इसकी मिल चुकी है। अब चलिए चेक फॉल्ट को चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट है हमारी गाड़ी में। चलिए इसे मैंने ओपन कर लिया, थोड़ा सा फॉल्टिंग इसमें जो है टाइम लेगा। ये देखिए क्या है, इंजेक्टर सर्किट और इसके पी कोड P0210, इंजेक्टर सर्किट सिलेंडर 1 यानी इंजेक्टर फॉल्ट बता रहा है P0305, इग्निशन कॉइल ए प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट, उसके बाद क्या है P0443 ये जो है चारकोल कैनिस्टर का बता रहा है, उसके बाद P0511 ये क्या बता रहा है मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर बहुत सारे जो ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर है। और साथ ही साथ आपको क्या है रिफ्रेश भी यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद क्लियर फॉल्ट ऑन ECU भी कर सकते हैं, ये सारे चीजें आप इससे कर सकते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग में टाइम ले रहा है, देखते हैं क्या प्रॉपर तरीके से रिफ्रेश कर पाता है या नहीं। लाइव देखिए, अब कट नहीं करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके।